नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही T20 सीरीज पर कोरोना की मार पड़ी है। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने के बाद अब प्रशासन ने स्टेडियम में दर्शकों के जाने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, इस सीरीज के सारे मैच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम 2 मैच भी खेले गए थे। यानी कि अब भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले अगले 3 T20 मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने सभी क्रिकेट फैंस के टिकट के पैसे लौटाने की भी बात कही है। आपको बता दें, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के सभी मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब कोरोना की संख्या देश में एक बार फिर से बढ़ता देख दर्शकों के स्टेडियम में आने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है। 2 T20 मैच हो चुके हैं। जिन दर्शकों ने आखिरी 3 T20 मैचों की टिकट खरीदी है, उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पैसे रिफंड करेगा। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आगामी 16 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को जो मैच खेले जाने रही है वो बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। GCA के उपाध्यक्ष धनराज नाथवानी ने कहा कि 16, 18 और 20 मार्च को होने वाले T20 मैच बिना दर्शकों के होंगे। दर्शकों के पैसे वापस करने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके साथ ही जिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दी गई है, उनसे स्टेडियम नहीं आने की भी रिक्वेस्ट की गई है। GCA के उपाध्यक्ष धनराज नाथवानी ने कहा कि अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। BCCI से भी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें, अहमदाबाद के 8 इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद नगर निगम ने बड़े फैसले लिए हैं। नगर निगम ने 8 हॉटस्पॉट इलाकों में सभी मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल, क्लब हाउस और पान की दुकानें रात 10 बजे के बाद बंद करने के आदेश जारी किए हैं। सोमवार को गुजरात में कोरोना के 890 नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में कुल 207 लोगों को कोरोना हुआ है। अहमदाबाद के जोधपुर, साउथ भोपाल, मणिनगर, बोधकदेव, घाट लोधिया, नवरा, नगुरा, कोटा और दाड लेज इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। यही देखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने खाली स्टेडियम में मैच आयोजित करने की बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।